नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में। तो जो एंड्रॉयड फ़ोन या जो हमारा स्मार्टफोन होता है तो उसमें साइड वाला जो पावर बटन होता है, जो पावर ऑन ऑफ वाला होता है, वो बटन ख़राब हो जाता है। तो उसे जो है घर पर आसान तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है और आपको रिपेयर करके भी दिखाएँगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, टेक्नो कंपनी का है। तो ये जो है इसका जो आना वाला पावर वाला बटन बिल्कुल बेकार हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल टूट गया, अलग हो गया है। और ऊपर वाले वॉल्यूम वाले बटन सही है, प्लस और माइनस वाला वॉल्यूम बटन दोनों सही है और यहाँ से पावर वाला बेकार हो गया। आप देख सकते हैं अंदर जो है पत्ती टाइप की दिख रही है दो, और ऊपर वाला जो हिस्सा था वो निकल गया है, जो एक पत्ती ऊपर और भी होती है वो निकल गई है। तो ये आप देखिए, मैंने टेस्टर टच किया, दोनों को आपस में टच किया तो ये हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। और इसके बाद अगर इसे दोबारा टच करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो दोबारा टच किया, देखिए ऑफ हो गया। तो ये जो है ऑन ऑफ वाला जो है स्विच ख़राब हो गया, क्योंकि इसके ऊपर एक पत्ती लगी हुई थी, वो पत्ती निकल गई है और ये पत्ती जो है आपस में दोनों पत्तियों को टच कर देती है तो उससे ऑन हो जाता है, फिर दोबारा टच करते हैं तो ऑफ हो जाता है। इस तरीके से ऑन ऑफ स्विच कार्य करता है। तो इसे सही करने के लिए आपको एक पुराने मोबाइल की आवश्यकता पड़ेगी। आप कोई भी कीपैड वाला पुराना मोबाइल ले सकते हैं और उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा हटा देंगे और बटन हटा देंगे, उसके बाद नीचे एक लेयर होती है, एक पत्ता टाइप का होता है ये जो मतलब स्विच होते हैं, जो बटन होते हैं वही एक दो तीन चार पाँच इस तरीके से बटन होते हैं, उसका पूरा पत्ता लगा हुआ होता है। तो ये पत्ता इस टाइप का होता है, इसे जो है धीरे से छुड़ा लेना है, पूरा टेप नुमा पत्ता होता है। इस तरीके से देखिए, जैसे हम इसे छुड़ा रहे हैं इस तरीके से आप छुड़ा सकते हैं, पूरा पत्ता निकल जाएगा। इसमें सारे बटन जो है लगे होते हैं, बटन नीचे साइड में होते हैं और ये जो है ऊपर ये गोल गोल टाइप की बिंदी टाइप की पत्तियाँ होती हैं, इन्हें दबाओ तो स्विच को शॉर्ट कर देती हैं तो उससे स्विच कार्य करने लगता है। एक पत्ती को कैंची से काट लेना है। तो देखिए मैंने एक पत्ती को काट लिया है और उसके बाद साइज़ के अनुसार उसे जो है साइड वाला जो टेप होता है उसे हटा देना है और उसके बाद इसमें देख लेना है कहाँ पे कैसा लगना है, उसे बढ़िया करके जो है देख लेना है कि दोनों पत्तियाँ आपस में टच होती हैं। रखने के बाद उसे ऑन ऑफ करके भी देखें तो ऑन ऑफ करके देखेंगे, अगर ऑन ऑफ हो रहा है तो वहीं पर उसे जो है रख देना है। तो इसे हम देखिए यहाँ पे रख रहे हैं और इसे मैंने थोड़ा छोटा कर लिया है, उसे सेट करते हैं उसी हिसाब से स्विच के अनुसार। यहाँ देखिए मैंने सेट किया और उसके बाद इसे जो है टेस्टर से दबाया तो ये ऑन हो गया, उसके बाद दबाया फिर बंद हो गया। तो इसका मतलब जो है हमारा स्विच सही कार्य करने लगा है। अब इसे जो है यहाँ पर फिक्स करना है इसे, तो इसे फिक्स करने के लिए जो है यहाँ पे हमें एल्फी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एल्फी आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इस पर बहुत धीरे धीरे बहुत सावधानी पूर्वक लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बूंद यहाँ पे गिरा ली है और उसके बाद आप कोई आलपिन वगैरह या कोई तार वगैरह ले सकते हैं, मेरे पास एक बारीक तार है, इस तार की मदद से जो है यहाँ पर दोनों साइडों में से बढ़िया करके जोड़ देंगे। अगर डायरेक्ट डालेंगे तो एल्फी ज़्यादा पड़ जाएगी, अगर स्विच के अंदर चली गई तो स्विच जो है हमारा कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जाके चिपक जाएगी तो वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए सावधानी पूर्वक एल्फी लगाना है बहुत धीरे धीरे, और ये बटन भी सावधानी पूर्वक लगाना है, उसे देख लेना है कि ये जो है यहाँ पे ऑन ऑफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले चेक करें उसके बाद ही यहाँ पे जोड़ें। ये ऑन हो गया, फिर बंद किया तो बंद हो गया। तो अब इसके बाद देखिए मैंने बैक वाला कवर भी लगा दिया है इसका। अब इसके बाद इसे ऑन करके देखते हैं। देखिए मैंने बटन दबाया, जैसे बिल्कुल नया फ़ोन था वैसे ही ऑन ऑफ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो आप कोई भी कीपैड वाला जो पुराना फ़ोन हो उससे आप ये जो है बटन वाली पत्तियाँ जो है निकाल सकते हैं, चाहे वो छोटा मोबाइल हो चाहे वो बड़ा मोबाइल हो, लेकिन वो कीपैड वाला होना चाहिए। और ये कीपैड वाला जिस तरीके से बटन कार्य करता है वैसे हमारा जो है एंड्रॉयड फ़ोन का जो है पावर बटन कार्य करता है। तो इस तरीके से मैंने आपको रिपेयर करके दिखाया, आप भी जो है इसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।